करीब 48 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 50 लाख पूर्व पेंशन भोगी कर्मचारियों को कल केंद्र सरकार की ओर से बड़ा तोहफा मिल सकता है। साथ ही सातवें वेतन आयोग की रिपोर्ट में कई अहम बदलाव के सुझाव भी हो सकते हैं। देखिए एक रिपोर्ट। कल का दिन करीब 1 करोड़ केंद्रीय कर्मचारी और पूर्व कर्मचारियों के लिए अहम होगा, क्योंकि केंद्र सरकार सातवें वेतन आयोग की सिफारिश पर फैसला लेगी। साथ ही इस रिपोर्ट में वेतन ढांचे, पदोन्नति, भत्ते और महंगाई भत्ते संबंधित अहम बदलाव भी सुझाए जाएंगे, जिससे कर्मचारियों के गुस्सा फूटने की अटकलें लगाई जा रही हैं। आइए आपको बताते हैं कि सातवें वेतन आयोग में क्या क्या बदलाव हो सकते हैं। सालाना वेतन वृद्धि में संशोधन हो सकता है। इस नए नियम को MCAP के तहत निर्धारित किया गया है। आयोग ने अपनी रिपोर्ट में MCAP के तहत कामकाज के नियम को कड़े करने का सुझाव दिया है। अब केंद्रीय कर्मचारियों के कामकाज को अच्छे से बहुत अच्छा के पैमाने पर आंका जाएगा। आयोग ने ये भी सिफारिश की है कि वार्षिक वेतन वृद्धि उन कर्मचारियों को नहीं दी जाए जो MCAP की शर्तों के अनुरूप काम करने में सक्षम नहीं है या अपने सेवा काल के पहले 20 वर्षों के दौरान नियमित पदोन्नति के योग्य नहीं पाए गए हैं। इस बार की रिपोर्ट में वेतन ग्रेड ढांचे को लेकर भी बदलाव किया गया है। पे बैंड और ग्रेड पे की मौजूदा प्रणाली में पारदर्शिता लाने की दृष्टिकोण से उनके संबंधों में नया वेतन ढांचा तैयार किया गया है। ग्रेड पे को पे मैट्रिक्स में शामिल किया गया है। कर्मचारी की स्थिति को अब तक ग्रेड पे के आधार पर तय किया जाता था, अब उसे पे मैट्रिक्स के स्तर पर तय किया जाएगा। सातवें वेतन आयोग की रिपोर्ट में मकान भाड़ा भत्ता यानी HRA पर भी कुछ बदलाव सुझाए गए हैं, क्योंकि मूल वेतन को बढ़ाकर संशोधित किया गया है। इसलिए आयोग ने सिफारिश की है कि वर्ग X शहरों के लिए 24%, वर्ग Y शहर के लिए 16% और वर्ग Z शहर के लिए 8% की दर से भत्ता देय होगा। आयोग ने ये भी सिफारिश की है कि जब महंगाई भत्ता 50% से अधिक हो जाएगा तब HRA की संशोधित दर क्रमशः 27%, 18% और 9% होगी। इसके साथ ही जब महंगाई भत्ता 100% के पार हो जाएगा तो संशोधित दर क्रमशः 30%, 20% और 10% हो जाएगी। अब फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथ में है, जिससे ये तय होगा कि कर्मचारियों के हाथ खुशी लगती है या फिर निराशा। देखते रहिए टीवी लाइव।